नमस्ते। रोज 400 से 600 लोग मर रहे हैं इटली में कोरोना वायरस की वजह से, और इंडिया में भी रोज 5 से 10 नए कोरोना वायरस के केसेस ऐड हुए जा रहे हैं। साथ ही बहुत सारी ऐसी अफवाहें फैली हैं कि वैक्सीन आ चुका है कोविड-19 का, लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई भी वैक्सीन दवाई अभी तक नहीं बनी है जिससे कि आप कोरोना वायरस से बच सके। ये मैं नहीं, WHO बोल रहा है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और साथ ही बहुत सारे ऐसे वीडियोज वायरल हुए हैं कि आप लहसुन खा लो, अदरक खा लो, प्याज खा लो, इससे आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बढ़ जाएगी और आपको कोरोना वायरस नहीं होगा। तो ये बिल्कुल ही गलत है। इम्यूनिटी सिस्टम ये सारी चीजें बढ़ाती तो है, लेकिन जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है ना, वो 1-2-3 दिन में नहीं बढ़ता है। वो उसको बढ़ने के लिए एक टाइम चाहिए रहता है, जो आप बचपन से खाते हैं पीते हैं, आपका जो फूड रहता है, आपका जो जीन्स है, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, उन सारी चीज़ों से आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है एक टाइम लेता है, तब आपके बॉडी में वो इम्यूनिटी सिस्टम रहता है। एज इट इज़ ये 4-5 दिन ये खा लेने से प्याज लहसुन आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि अगर यही प्याज लहसुन खा के इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ते ना, तो इटली वाले जो कि वर्ल्ड में सेकेंड बेस्ट हेल्थ केयर माना गया है, वो लहसुन प्याज खिला के अपने पेशेंट को बचा लेते। 600 से 400 लोग रोज मरते नहीं, उनके पास ज़मीनें कम पड़ गई हैं दफनाने के लिए, लेकिन कोई इंडिया के गवर्नमेंट को जाके बताए कि हमें कुछ नहीं होने वाला, हमें कोरोना वायरस नहीं हो सकता है। मतलब चाहे आप कर्फ्यू लगवा लो, लॉकडाउन करवा लो, हम बाहर निकलेंगे, यही थॉट लेके लोग बाहर निकल रहे हैं कि हमें कोरोना वायरस नहीं हो सकता। लॉकडाउन होने के बावजूद 22 मार्च, इट वॉज अ हिस्टोरिकल डे। सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट किया जनता कर्फ्यू का, सब अपने घरों में रहे, लेकिन जैसे ही 9 बजे जनता कर्फ्यू खत्म हुआ और लोग अपने घरों से गाड़ियां लेके बाहर निकलने लगे, दे आर इंजॉइंग लाइक कोई नहीं है रास्ते पे, चलो घूमते हैं, पार्टी करते हैं, मजे करते हैं। वाई? कोई आपको जेल में नहीं रखा था कि जेल से छूट गए और चलो निकल के मस्ती करें? उसी दिन 5 बजे मोदी जी ने ये बोला था कि आपको अपने अपने घरों में रहके बालकनी से जस्ट क्लैप करना है, सपोर्ट करना है उन लोगों को जो बाहर रह के आपके लिए कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, डॉक्टर्स, पुलिस, जो ग्रोसरी देते हैं उन सारे लोगों के लिए। लेकिन लोगों ने क्या किया, उसका कम्प्लीटली उल्टा, मैं सबको नहीं बोलूंगी, 80-70% लोग अपने घरों से सपोर्ट किए, बट बहुत ज्यादा लोगों ने रोड पे आके झुंड बना बना के, जो चीज के लिए जनता कर्फ्यू लगी थी कि ज्यादा लोग एक जगह पे ना जमा हो, वही हुआ। लोग बाहर अपने घरों से बाहर आके बैंड बाजा पटाखे फोड़ रहे हैं। किस बात का सेलिब्रेशन हो रहा था? सेलिब्रेट नहीं करना था, जस्ट सपोर्ट करना था, एक क्लैप करके अपने बालकनी से बाहर निकल के नहीं। उसके बाद अब लॉकडाउन होने के बाद सरकार चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, उसके बावजूद लोग बाहर निकल के पार्टीज कर रहे हैं। इन इनिशियल स्टेज आई कैन अंडरस्टैंड कि लोगों को नहीं पता था कि कोरोना वायरस क्या है, क्या चीज नहीं, लेकिन अब जब जनता कर्फ्यू हो गया, लॉकडाउन हो गया, तभी भी शायद आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि कोरोना वायरस से मर सकते हैं। और सिर्फ आप नहीं मरोगे, आप अपने साथ साथ अपनी फैमिली, अपने नेबर्स, अपने रिलेटिव सबको मारोगे। अगर कुछ दिन अपने घर से नहीं निकलेंगे तो क्या होगा? ये जो अपने घरों से निकल रही, ये वही लोग हैं जो कॉलेज ऑफिस न जाने के लिए 10 बहाने बनाते थे कि आज मेरा बीमार हो गया, चाची को लेके जाना है हॉस्पिटल, चाचे को लेके जाना है, लेकिन अब उन्हें घर में नहीं रहना, क्योंकि गवर्नमेंट खुद बोल रही है ना कि प्लीज स्टे एट होम, और वो नहीं कर सकते हम। जो गवर्नमेंट बोलेगी वो चीज़ हम नहीं करेंगे। वोट देने को बोलेगी कि बाहर निकल के वोट दो, उस दिन हम घर पे बैठेंगे, और जब हमें बोला जाता है कि आप घर पे बैठो, उस वक्त हम बाहर निकलेंगे। बस इसी कारणों से इतना बड़ा और सही फैसला लिया मोदी जी ने कि आज रात 12 बजे से पूरा देश होगा लॉकडाउन, यानी कि 24 मार्च के रात 12 बजे से लेके पूरे 21 दिन तक पूरा देश लॉकडाउन रहेगा, पूरा भारत लॉकडाउन रहेगा,
पूरी गांव, शहर, सिटी, जहां पे भी आप रह रहे हैं बस वहीं रहिए। आपको इधर उधर कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, डरने की इस चीज से जरूरत नहीं है। लॉकडाउन में आपको जो सामान है, नॉर्मल बेसिक चीजें हैं खाने पीने की, वो सप्लाई होती रहेंगी, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। लॉकडाउन का मीनिंग यही है कि आपको कंप्लीटली अपने घर से बाहर नहीं निकलना है। किसी दूसरे शहर में तो पॉसिबल ही नहीं कि आप कहीं गांव शहर में जा सके, मतलब कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने घरों में रहना है। गाइज, आपको कोरोना वायरस के सीरियसनेस को समझना पड़ेगा। अभी हम इनिशियल स्टेज पे हैं कोरोना वायरस के, अभी तक वही लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं जो बाहर कंट्री से आ रहे हैं, उनकी वजह से जो इन्फेक्ट हो रहे हैं वो केसेस आ रहे हैं। एक बार जब नेक्स्ट लेवल पे जाने लगे तो इटली जैसी हालत हो जाएगी, और इटली में जो मेडिकेशंस मिल रही हैं उसके मुकाबले हम कुछ भी नहीं हैं। अगर उस तरीके का कंडीशन हो जाएगा तो इट वाज अ वर्स्ट कंडीशन इन इंडिया, क्योंकि जो 600 लोग इटली में मर रहे हैं उसके कंपैरिजन में इंडिया में 6000 लोग मर सकते हैं। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं जस्ट बता रही हूँ। सो जस्ट बी सीरियस। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा सोशल डिस्टेंसिंग कितना ज़रूरी है, यानी कि आपको ग्रुप में नहीं रहना है, बाहर नहीं जाना, लोगों से कम मिलना है। अब आप इसमें देखेंगे कि अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन 5 दिन में 2.5 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, और अगर 30 दिन हो जाए तो सीधे सीधे 406 यानी कि 406 पीपल इन्फेक्टेड हो सकते हैं। लेकिन अगर वही ये सोशल डिस्टेंसिंग कम हो जाए 50% तक, तो आप देखेंगे एक इन्फेक्टेड पीपल 5 दिन में सिर्फ 1.5 लोगों को, और 30 दिन में सिर्फ और सिर्फ 15 लोग इन्फेक्टेड होंगे। और अगर 75% तक हो जाए तो एक इंसान 30 दिन में सिर्फ 2.5 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। इसका सीधा मतलब यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे तो सीधे सीधे ये वायरस बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगी। सिर्फ एक यही सोल्यूशन है कोरोना वायरस से बचने का और इसे खत्म करने का। और अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि मैं बाहर जाऊंगा लेकिन मैं किसी इंसान को छूंगा नहीं तो मुझे कोरोना वायरस नहीं होगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। अगर आप बाहर निकलते हैं, आप कोई भी मेटल की चीजें पकड़ते हैं, उस पे कोरोना वायरस 12 आवर्स तक रह सकता है, और उसकी वजह से अगर कोई इन्फेक्टेड पीपल उस मेटल के रॉड को, हैंडल, आप कहीं पे भी जाते हैं मेटल की बहुत सारी चीजें बनी रहती हैं, और अगर आप उसे टच करते हो तो आप भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। अगर आपका मोबाइल कोई भी इन्फेक्टेड पीपल ने टच किया होगा तो आपके मोबाइल का जो ये सर्फेस होता है ना, इस पे 48 आवर्स तक वायरस रहता है कोरोना वायरस। और जो बैक कवर रहता है, अगर ये आपका प्लास्टिक का है तो ये 9 डेज तक रहेगा, और अगर मेटल का है तो अगेन 12 आवर्स। कोई भी मेटल की चीजें उस पर 12 आवर्स तक कोरोना वायरस रहता है। सो आप ये सारी चीजें ध्यान रखें अगर आप ग्रोसरी लेने जा रहे हैं या किसी जरूरत का सामान लेने जा रहे हैं। बाहर से जब आप घर में आए, आप अपने मोबाइल को सैनिटाइज करें, अपने क्लोथ को, बिकॉज क्लोथ पे 9 आवर्स तक रहता है कोरोना वायरस। सो क्लोथ को आप जाके वॉश करें वॉशिंग मशीन में, और उसे 2 घंटे तक अगर आप धूप में रख देते हैं तो वायरस खत्म हो जाता है। वॉश करें कोई भी चीज, आप दूध का पैकेट ला रहे हैं क्योंकि वो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक पे भी 9 आवर्स तक रहता है, सो उसको वॉश कर ले, सैनिटाइज कर ले। बाहर से आ रहे हैं, शूज आप अच्छे तरीके से अपने अपने कपड़ों को, अपनी चीजों को अच्छे तरीके से सैनिटाइज करें। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपको सिर्फ सैनिटाइजर ही यूज करना है। सैनिटाइज करने के लिए आपके पास जो भी है, सोप है, साबुन है, फिनाइल, अल्कोहल, पेट्रोल, कुछ भी जो क्लीनिंग के लिए होता है, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं। तो आप इस बात का नहीं कि मेरे पास सैनिटाइजर खत्म हो गया, मैं स्टॉक भर लूं। सैनिटाइजर के भी स्टॉक्स खत्म हो चुके हैं मार्केट में, क्योंकि लोगों को लगता है सिर्फ सैनिटाइजर से ही क्लीन हो सकता है या कोरोना वायरस मर सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हॉट वाटर यूज कर सकते हैं कपड़े क्लीन करने के लिए, नहाने के लिए। अपने हाथों को अच्छे तरीके से 1 मिनट 2 मिनट तक, आपने बहुत सारे हैंड वॉश के वीडियोस डेफिनेटली देखे होंगे, नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। लेकिन अच्छे तरीके से अपने हैंड को वॉश कीजिए, बट एक बात का ध्यान हमेशा रखिए कि वाटर भी आपको सेव करना है, क्योंकि 1 मिनट हैंड वॉश करना है तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा लापरवाही पानी की भी हो रही है कि लोग 1 मिनट तक हाथ वॉश कर रहे हैं, हैंड
टैब ओपन करके। तो प्लीज गाइस वाटर भी सेव करें, उसके साथ साथ जब आप एक मिनट तक अपने जो साबुन को लगा रहे हैं अपने हैंड में, तब तक आप जो वाटर टैप है उसको बंद कर दें। उसे तो वाटर भी आपको सेव करना है, आप हाथ धोने के चक्कर में वाटर का बाद में ऐसा ना हो कि वाटर की भी एक बड़ी समस्या बाद में आ जाए। सो प्लीज वाटर भी बचाएं। साथ ही सिम्टम्स को भी लेके बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, जैसे लोगों को खांसी हो जा रही है, जुकाम हो जा रहा है, तो लोग सोच रहे हैं मुझे वायरस हो चुका है, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ कि कब आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर आपको फीवर और खांसी या ड्राई कफ और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, बस अगर ये तीन चार चीजें आपके साथ हो रही हैं, तभी आप डॉक्टर के पास विजिट करें। नहीं तो आप छोटे छोटे लाइक बहुत लोग इसलिए भी डर जा रहे हैं कि अगर उन्हें जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, और वो डॉक्टर के पास पहुंच जा रहा है कि उन्हें वायरस नहीं हुआ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको डिटेल्स दे दूंगी सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गवर्नमेंट के, वहाँ पे आपको नंबर भी मिल जाएगा, आप डायरेक्टली हेल्पलाइन पे कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उनसे। दो चार चीजें और आप ध्यान रखें, सिर्फ जुकाम है तो इट्स एलर्जी, जुकाम खांसी और फीवर है तो वो एक फ्लू है, और सिर्फ खांसी है तो जस्ट ये पोल्यूशन की वजह से हो रहा है, ये सारे कोरोना के सिम्टम्स नहीं है। नहीं तो जाकर फालतू का रश ना करें हॉस्पिटल्स में भी। सो गाइज अगेन आई रिक्वेस्ट यू, घर पे रहें, जो भी शौक है आपके वो पूरी करें घर पे बैठ के, कुछ नहीं तो मूवीज देखें, और अगर कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा हो तो मेरे वीडियोस को ओपन करके देख लें। जस्ट गो डू इट वॉट एवर यू वॉन्ट, लेकिन घर पे बैठ के करें, जो करना है घर पे रह के करें। और भी डिटेल्स चाहिए, जो कि बहुत सारे फेक न्यूज़ चल रहे हैं तो उन पे भी आप ध्यान ना दें। अगर आपको जेन्युइनली कोई चीज़ जानना है इसके बारे में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, जो कि गवर्नमेंट का हर 4 आवर्स में अपडेट हो रहा है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं अगर कोई भी आपको डिटेल्स चाहिए तो। और अगर हेल्थ से रिलेटेड अगर आपको कुछ जानना है, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी WHO का, सिर्फ आप वहीं पे जाके, वेबसाइट पे जाके इन सारी चीज़ों की जानकारी। एंड एक्सट्रीमली सॉरी अगर मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो चुकी होंगी, बिकॉज मैं कल से इतनी सारी चीज़ें देख रही थी और रात भर मैंने ऐसे ऐसे वीडियोज़ देखे, आई वॉज लाइक शॉक्ड कि लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि घर से बाहर नहीं निकलना है। दिस वॉज वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम। आपसे सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट है, भले मेरी वीडियो को लाइक ना करें, अगर नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कर दे, नो इश्यूज, बट घर पे ही रह के करें, बाहर ना निकलें प्लीज। एंड या गाइस दैट्स इट, स्टे एट होम, स्टे सेफ, जय हिंद।